तो सुनने में आया कि हमारी माइनक्राफ्ट अपडेट हो चुकी है एंड इसमें बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें ऐड हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ कि हमारी वर्ल्ड में क्या क्या चीजें न्यू ऐड हुई हैं। हे गाइस, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर पीसी गेमर्स विद अ न्यू गेमिंग वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एंड इसमें आज हम बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें करने वाले हैं। बाकी तुम लोगों को जैसा कि याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में इस मास्टर बेड को बनाया था, इसको मैं थ्रोन की तरह बनाने वाला था पर ये कुछ अच्छा लग नहीं रहा। खैर, इसको मैं बाद में देख लूंगा, बट अभी आज की इस वीडियो में मैं अपने कैमल को ढूंढने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि आखिर उसको मैं अपने कैसल में लेकर आ सकता हूँ या फिर कैसे लेकर आ सकता हूँ, देखना पड़ेगा। बाकी मैंने ऑफलाइन कुछ काम किया, जैसे कि अपनी सारी स्टोरेज एरिया को मैंने सॉर्ट आउट किया, जैसे कि इसमें सारी लकड़ी, इसमें हनी का सामान और इसमें सारा फालतू सामान, इसमें एंड का, इसमें खाने का, इसमें भी फालतू सामान है एंड ऐसी मैंने सारे एरिया को, मतलब सारी चेस्ट को सॉर्ट आउट किया है। भाई देख सकते हो तुम, इसमें मेरा कीमती वाला सामान है एंड इसमें कहीं पर मेरे पास वो कहाँ गई मेरे, यस ये मेरा आर्मर वाला चेस्ट है, इसमें मेरे पास एक इलाइट्रा भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। बाकी अपनी एक चेस्ट से हम लोग सैडल पकड़ लेते हैं क्योंकि ऊंट जो है वो सैडल की मदद से चलने वाला है एंड आई थिंक नहीं, ये हॉर्स आर्मर तो इस पे नहीं लगेगा, खैर ये सैडल ही लगेगी एंड इसके अलावा लीड्स भी लेनी पड़ेगी मुझे, हो सकता है मुझे उसे लीड की मदद से लाना पड़े। ये रही लीड, दो ले लेते हैं एंड चलते हैं भैया, देखते हैं हमारा कैमल कहाँ पर मिलता है। एंड मेरे पास फायरबॉल रॉकेट्स की भी थोड़ी कमी हुई पड़ी है, तो एक काम करते हैं पहले गन पाउडर फार्म में थोड़ा सा एएफके कर लेते हैं एंड अपने फायरबॉल रॉकेट्स ज्यादा सारे बनाते हैं ताकि खत्म ना हो हमारे आते को, क्योंकि मुझे दूर दूर तक देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं हमारी वर्ल्ड के अंदर। बाकी अपने गन पाउडर फार्म के अंदर मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, बट यहाँ पर आकर मुझे 13 चंक्स कर देने हैं। ओके ये रहे 13 चंक्स, ओके एंड अब देखना यहाँ पर नीचे अगर तुम देख पाओ, मैंने इसमें ऑप्टिफाइन अभी किया नहीं है, मैंने अभी सिर्फ अपडेट किया है तो मैं इसको जूम नहीं कर सकता। बाकी तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर मकड़ी और क्रीपर गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस ये वाली सारी रात मैं एएफके करने वाला हूँ एंड सुबह सारे गन पाउडर का मैं फाइबर रॉकेट्स बनाऊंगा एंड फिर चलेंगे भाई अपने ऊंट को ढूंढने। भाई आज मैंने ऊंट लेकर ही आना है अपने वर्ल्ड में। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर लो एंड जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भाई गेमर्स गैंग को ज्वाइन कर ले एंड साथ दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबा देना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना क्योंकि भाई हमें 1K के गोल को कंप्लीट करना है। फटाफट से 1K के गोल को भाई कंप्लीट करवा दो। बाकी सुबह हो चुकी है गाइस, फटाफट से चलते हैं भाई अपने गन पाउडर फार्म में, फटाफट से फायरवर्क रॉकेट्स को क्राफ्ट करते हैं एंड यहां से ऊपर जाना है मुझे। ओके यहाँ से ऊपर चलते हैं, बल्कि पहले शुगर केन फार्म से आते हैं, वहां से थोड़ा बहुत शुगर केन ले आते हैं एंड देख रहे हो भाई कितना बड़ा शुगर केन फार्म मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ से फटाफट से लेते हैं भाई शुगर केन, लेट्स गो, काफी सारा बन गया है, लेट्स गो भाई। यहाँ से चलते हैं भाई अपने शुगर केन फार्म में, एकदम सेफ सी लैंडिंग करते हैं एंड ये देखो भाई रातों रात इतना हुआ है भाई, मानते हो ना। फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ दो सेट चाहिए 64 के एंड लेवल 2 के फाइबर रॉकेट्स मैंने काफी सारे कर लिए क्राफ्ट। ओके इसको यहाँ से तोड़ते हैं भाई, अब चलते हैं भाई अपने ऊंट को ढूंढते हैं भाई, उट्टू को ढूंढते हैं अपने उट्टू को, उसका नाम भी मैं उट्टू ही रखूंगा। एंड ये होल यहाँ पे पहले नहीं था, पक्का ये होल यहाँ पर पहले नहीं था, मैंने यहाँ पर शुगर केन फार्म बनाया, ये होल पक्का यहाँ पर नहीं था ब्रो। ये मतलब मैं इसमें गिर ना जाता, तुम लोग मेरा टाइम लैप्स भी देख सकते हो, ये वाला होल यहाँ पर पक्का नहीं था। एक मिनट रुको, मैं नीचे जाकर थोड़ा सा देख लूँ। ओके ओके बारात आ रही है यहाँ से मरने के लिए। ओ भाई, तो भाई सुनने में आएगा इसमें स्पेशल सी किस्म की ग्रेवल भी ऐड हुई है एंड हो सकता है भाई मुझे बायोम भी मिल जाए इसकी, जो नई वाली बायोम ऐड हुई है। मैं पहले तो यहाँ से चलता हूँ ना, कोई अच्छे से विलेज में चलता हूँ मैं, यहाँ पर भी खुला घूम सकता है वैसे, पर ज्यादातर चांसेस इसके विलेज में ही मिलने में है। बाकी यार ये वर्ल्ड जो है मेरी रेंडर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर मार लेना। ओ भाई साहब ये देखो, ये देख रहे हो तुम, एक मिनट ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं, वो देखो भाई ये क्या है, हेलो क्या ये डेजर्ट है, डेजर्ट में तो मैंने ऐसा पहली दफा देखा है एंड वहां पर मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट भी नजर आया है। ओके वहां पर एक पिलेजर आउटपोस्ट है एंड ये देख रहे हो भाई तुम, ये क्या ही है भाई, खतरनाक भाई खतरनाक।
ओ भाई साहब नीचे तो जाके देखना ही पड़ेगा। ओ क्रीपर ही क्रीपर फैले पड़े हैं यहाँ पर। भाई केव में आने का मेरा कोई भी आइडिया नहीं है, यहाँ से निकलो भाई। ये रहा अपना पिलेजर आउटपोस्ट एंड इसके आसपास ही वो होगा विलेज, एंड यहाँ पर मुझे एले भी मिल सकती है। एले भी मैं अभी तक नहीं लेके गया। हेलो एलेस वेर आर यूज़। ओके एले नहीं है यहाँ पर, एंड कोलम भाई को बंद करके रखा है। यहाँ पर मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल चुका है। फटाफट से चलते हैं सारे एरो से बचते बचते। हाँ आ जाओ। हाँ, मेरी मौत आज निश्चिंत है। वो मजाक के अलावा यार ये तो बड़ी हेल्थ खा गई मेरी। मैं काम करता हूँ यार, ये लाइटर उतार के ये पहन लेता हूँ। अब मुझे मार के दिखाओ तुम, अब मुझे मार के दिखाओ तुम, एक दफ़ा मार के दिखाओ तुम। हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे साथ पंगे ले रहे हो। ये पिटेगा, बहुत गंदा पिटेगा, ये बहुत गंदा पिटेगा। एंड देखते हैं भाई यहाँ पर आई थिंक कुछ तो नया मिल सकता है मुझे। ओके 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 हम लोग आ Bruh. चुके हैं। ये क्या हो गया? नो 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 प्लीज, मैंने चेस्ट खोल दी। अच्छा मैंने प्रेशर प्लेट नहीं दबाई, मुझे लगा भाई प्रेशर प्लेट के बगैर अगर मैं चेस्ट खोल लूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ओके कुछ खास नहीं, एक गोल्डन एप्पल जो कि मुझे चाहिए नहीं। क्या एक्वा एफिनिटी मेरे पास है नहीं? क्या एक्वा एफिनिटी मेरे पास है? पड़ी, मुझे ऊपर वापस ही जाना पड़ेगा। अपने मिशन ऊंट को पूरा करते हैं। वो भाई तो हमारा आउटपोस्ट है ये, तो इसके आसपास मुझे विलेज को ढूंढना है भाई। यहाँ पर चलते हैं भाई, हालत ख़राब होने वाली है मेरी। इतनी दूर आ चुका हूँ, अभी तक मुझे ऊंट नहीं मिला। इसको घर ले जाने में मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आ गए भाई अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। 3 दिन बाद आते हैं मुझसे मिलने, इनकी भी अच्छी खासी खातिरदारी करो फिर ही जाते हैं। किधर है भाई? ओए ओए एक ही है ये तो। अपने साथ अपनी बहन भाई भी लेकर आता। अब एक बंदे के लिए मैं चाय बनाऊं, एक बंदे के लिए मैं बिस्कुट लेकर आऊं। आ तेरी ऐसी की तैसी, हवा में ही खेलना है इसको। मैं हवा में, या सारा दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मैं सिर्फ एक बेड नहीं लेकर आया, बाकी सब कुछ लेकर आया हूँ। दिन में ज्यादा नजर आ जाता मुझे। और यहाँ पर मुझे बेड़े मिल गई ना, इन्हीं से काम चला लेंगे अपना। तीन तीन बेड़े मिल गई और क्या चाहिए। आ जा भाई, भागना मना है यहाँ से। ओके एक वूल इससे मुझे मिल गया, एंड बहन जी आप भी एक वूल दीजिए, एंड भाई जी आप भी ओए एक वूल दीजिए। ओके 3 वूल हो चुकी है मेरे पास। यहाँ से तोड़ते हैं अपना पेड़ एंड अपने लिए बनाते हैं बेड। वाह आ जा भाई, क्रीपर ना आ जाए बस, बाकी सब आ जाए बस। ये रहा बेड, एंड लेट्स गो। गुड नाइट गाइस। ओके गाइस बड़ी प्यारी सुबह हुई है भाई, लेट्स गो। अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आजकल सुबह बहुत प्यारी हो रही है। ओके अपनी जर्नी को करते कंटिन्यू, एंड कैमल को ढूंढना है भाई। कैमल को ढूंढना है, अपने उट्टू भाई को ढूंढना है। इसका नाम भी मैं उट्टू भाई रखूंगा। माइनक्राफ्ट गेम की बस एक ही खासियत है कि जब आपको इसमें चीज़ ढूंढनी होती है ना, तब बिल्कुल नहीं मिलती है, एंड जब कोई और चीज़ ढूंढ रहे हो तब इसमें वो चीज़ मिलती है। ओ मुझे कैशिया वाला विलेज मिल चुका है। कैशिया वाला, कैशिया वाला यहाँ से। ओके ओए ये क्या है? हेलो इतने बड़े बड़े मेलन। अच्छा दो दो ऊपर नीचे किए हुए, मैं कहूँ भी इतने हाइट पर आ गए। यहाँ से एक बेल ले लेते हैं, इनकी इनकी बेल चुरा लेते हैं हम लोग। अब इनको आगाह करने वाला कोई भी नहीं, वो भी नहीं, वो जो नीचे घूम रहा है। तो हम लोग जा रहे थे माइनस में इस साइड पर। ओके फाइनली मुझे मिल चुका है भाई डेजर्ट वाला विलेज। इसमें अपना उट्टू भाई हो बस। उट्टू भाई लेट्स गो भाई, हमारा उट्टू भाई हमें मिल चुका है। हेलो उट्टू भाई। ओके मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ। ओ भाई साहब क्या ही मतलब, ओ ये क्या हो गया? ओह माय गॉड बैठ गया ये तो। इसके ऊपर मुझे सैडल, हाँ सैडल में प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स गो भाई, इसको चलाएंगे हम। खड़ा हो जा भाई। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, इसको मुझे घर लेके जाना है। मैं अपने घर से 2000 ब्लॉक दूर हूँ, तो मुझे भाई इसको, ये 1 मिनट, ये बोट में बैठता है क्या?
बोट में बैठना तो चाहिए वरना मुझे इसको घर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास वुड तो है, क्राफ्टिंग टेबल। ओके, पास वाले दरख्तों से एक काम करते हैं, थोड़ी सी वुड ले लेते हैं एंड क्राफ्टिंग टेबल बना के बोट चेक करते हैं भाई पहले। ओ ये देख रहे हो गाइस तुम, यहां पर बारिश नहीं हो रही, यहां पर बारिश हो रही है। यहां पर डेजर्ट है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। लेट्स गो। कितना वियर्ड है ये। अपने उट्टू भाई को तो आज मैंने लेके जाना है भाई अपने घर। भाई फाइनली मुझे ऊंट मिल चुका है माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट। ये देखो भाई बैठा हुआ है हमारे लिए ही बैठा हुआ है ये। पहले तो देखते हैं भाई इसको बोट में बिठा के बोट में बैठता है कि नहीं, एंड फिर अगर ना बैठा तो इसको मार पड़ेगी मुझसे। बैठो, हेलो बैठो। तुक्का दे के चला गया बोट को। मैं तेरे लिए इतनी महंगी बोट बनाई है मैंने, पता है काशिया कितनी महंगी आती है। ओ बैठ गया यार ये तो। रुको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना ले जाएं यार। लेकिन ये एनिमेशन बड़ी अच्छी है जो बैठ जाता है ना। इसको मैंने बोट के ऊपर खड़ा कर दिया पर ये बैठ नहीं रहा, मतलब कि मैं इसको बोट में नहीं लेके जा सकता, मुझे इसको पैदल ही लेके जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, अपने उट्टू को तो मैंने घर लेके ही जाना है भाई। चल पड़ते हैं अपने, अपना घर आई थिंक 50-50 पर है। स्पीड भी इतनी कोई मतलब ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। एक मिनट, मैं विलेज में आया हूँ, मैं आया हूँ विलेज में। टक बोले तो आ जा भाई, तेरे लिए ही मार रहा हूँ। तक किधर भाग, किधर है? उसको परवाह ही नहीं है, उसके विलेजर को मार पड़ रही है। हैं? आजा तेरे विलेजर को मार रहा हूँ मैं। हेलो शिकायत लगाओ उसको, उसको कहो मेरे पीछे भागे। हैं? उसको कहो मेरे पीछे भागे, मैंने मार दिया तेरे एक विलेजर को। हेलो इधर आ। दो विलेजर्स को मैंने मार दिया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब तो आएगा नजरों के सामने से तेरे सारे विलेजर्स को मैंने मार देना, तुझे पता भी नहीं चलना। लेट्स गो भाई। ए ए ए ए ए, किधर भाग, किधर है भाग, किधर है? तेरी टकले पे ही मारूंगा रख के। ये ले भाई, ये ले भाई। किधर गया भाई गोल में? आजा आजा, तू मेरा कुछ नहीं, बहुत कुछ बिगाड़ सकता है भाई। दो हिट में मेरी लाइफ खत्म और मैंने बेड भी तोड़ दिया, यानी मुझे अगर मैं मर भी गया ना तो मैं अपने वर्ल्ड कैसल के पास स्पॉन होऊंगा। पर इसको तो मैं भाई हेड टू हेड ही मारूंगा। ए ए ए ए, भाग लो भाई। यार इतना पावरफुल कैसे हो गया ये? ये भी अपडेट के साथ हुआ है क्या? अपने उट्टू को लेके जाना है। इस किस चक्रों में मैं पड़ गया। अबे मुझे एक और हिट लगनी है। ओ भाई मुझे एक और हिट लगनी है और मैं जाने वाला हूँ भाई। मैं वापस स्पॉन नहीं होना चाहता अपने घर में। बेटे अब तू गया, अब तू गया। लेट्स गो भाई, अपना मिशन अकॉम्प्लिश हो गया। अब अपना मिशन है उट्टू को घर लेके जाना। किधर गया भाई अपना उट्टू? कहीं नाराज हो गए, कहीं पे केव में छुप तो नहीं गया क्या? उट्टू भैया बैठे हुए हैं अपने। हेलो, कितना क्यूट है भाई। खाता क्या है ये? इसको वेट खिलाऊं क्या? वीट खाता है ये? वीट खानी तो चाहिए इसको, ताकत कैसी आएगी। आजा भाई वीट खा। वो उठ गया है, वो हमारे पीछे आएगा क्या? नहीं आ रहा यार। वीट भी नहीं, ओ वीट भी नहीं खाता तो ये खाता क्या है? गाइस ये वीट नहीं खाता तो फिर ये खाता क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। मुझे इसको खाने का अरेंज भी करना है, पर अभी रात हो चुकी है काफी ज्यादा, तो फटाफट से सो लेते हैं। लेट्स गो गाइज, अपनी जो सुबह वो हो चुकी है माइनक्राफ्ट में, एंड अब फटाफट से अपने उट्टू को घर लेके जाते हैं। पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ये क्या खाता है, अगर तुम लोगों को पता है तो। बाकी फटाफट से बैठते हैं, इसको खड़ा करते हैं। लेट्स गो भाई, अपने कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट्स आ जाओ भाई, मुझे जाना है टोटल 50-50 पर, 50-50 एक्स और जेड। वेट, अपने उट्टू के साथ तो मैंने सेल्फी खींची ही नहीं। उट्टू मियाँ खुश हुए पड़े हैं, कान हिला रहा है देखो। लेट्स गो, अब चलते हैं। गाइज मसला सिर्फ एक ही है, ये जो पानी यहाँ पर आया हुआ है ना, यही मसला है। ओ एक और विलेज आ गया, एक और उट्टू। उट्टू की उट्टी मिल जाएगी यहाँ से मुझे। उट्टू की उट्टी मिल जानी है मुझे यहाँ से। ओ लेट्स गो भाई, इसमें एक और ऊंट फिर रहा है। भाई साहब इसमें एक और ऊंट फिर रहा है, तो मैं इसको भी तो लेके जा सकता हूँ।
भाई साहब रास्ते में भाई बहुत ज्यादा लेक्स आने वाली है, बहुत ज्यादा समुंदर आने वाला है, तो मुझे इसको भाई नेदर से लेके जाना पड़ेगा, नेदर रूफ से। एंड मेरे पास एंडर वाली आई भी नहीं है, एंडर पर्ल्स भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ भाई विलेज में एंड अपने कैसल से होकर आता हूँ, वहां से अपने ऑब्सीडियन भी लेकर आता हूँ एंड एंडर आइज भी लेकर आता हूँ। इसको भाई यहाँ पर छोड़ते हैं, अपने कैसल से होकर आते हैं फटाफट से। तो गाइस अब नेदर की मदद से मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं दोनों ही लेकर जाऊंगा अपने वर्ल्ड में। बाकी जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी ये अपना कैसल भी आ चुका है, मैंने इतनी दूर दूर तक बिल्ड की हुई है ना, तो पास ही मुझे मिल जाती है, मतलब मुझे पता लग जाता है कि अपना कैसल यहीं पर है। एंड ये रही अपने कैसल की वॉल एंड वो रहा भाई सामने अपना एपिक सा कैसल। लेट्स गो भाई, कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, पूरे 100 डेज लगे इसको बनाने में मुझे। यहाँ से बस से एक और वो चाहिए मुझे, क्या कहते हैं, सैडल। यस एक और सैडल चाहिए एंड इसके अलावा ये तो खाना शाना मुझे समेट के रखना है कहीं पर। ये बेल कहाँ पर रखूं मैं, बेल यहाँ पे रख देता हूँ सैडल के पास। ऑब्सीडियन भी तो चाहिए मुझे, ऑब्सीडियन और फ्लिंट एंड स्टील। फ्लिंट एंड स्टील तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर फ्लिंट है एंड आयरन मेरे पास है, तो ये फ्लिंट एंड स्टील मैंने बना दिया। एंड इसके अलावा मुझे चाहिए ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स वेयर आर यू, आई थिंक नेदर वाले सामान में पड़े होंगे। मुझे यहाँ पर मुझे वो लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं वो आइटम फ्रेम, यहाँ पर भी नहीं है। नेदर वाला सामान क्या है, ये नेदर वाला सामान। ओके 10 ऑब्सीडियन मुझे मिल चुका है, पर मैं थोड़ा बड़ा पोर्टल बनाऊंगा, ये 10 भी ले जाता हूँ, मुझे कम माइन करने पड़ेंगे। एंड अपने कैसल के पीछे नेदर पोर्टल है जो कि सीधा जाता है अपना नेदर रूफ पर, मैं नेदर रूफ के जरिए ही जाऊंगा उस विलेज में। लेट्स गो भाई, पहले मैं जाऊंगा एंड में एंड वहां से लूंगा ऑब्सीडियन। पहले इस पोर्टल में जाओ एंड यहाँ पास में ही हमारा एक वो होगा यहीं पर। ओके वो रहा छेद, इसी के अंदर मुझे जाना है। ओके जंप करते हैं अपने एंड के अंदर एंड यहाँ से लेकर चलते हैं ऑब्सीडियंस। इजी पीजी मिल जाएंगे मुझे यहाँ से ऑब्सीडियंस, तो भाई यहाँ से फटाफट से लेते हैं ऑब्सीडियन एंड नीचे तक लेके चलता हूँ मैं। वैसे ज्यादा चाहिए तो नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा। भाई साहब मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं लास्ट दफा जो सोया था वो मैं विलेज में सोया था, सो अब मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो मैं विलेज में स्पॉन होऊंगा, तो मुझे वापस से सारा चक्कर करके आना पड़ेगा। ओके ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर मेरे हिसाब से ये बस 30 कर लेते हैं, दौड़ ले लेते हैं यहाँ से। ओके मेरे पास हो गए 30 ऑब्सीडियंस, तो लेट्स गो भाई चलते हैं अपने उट्टूस के पास। ओके तो फाइनली गाइज हम लोग अपने कैसल के अंदर पहुंच चुके हैं, फटाफट से चलते हैं भाई इतने नेदर रूफ पर इस पोर्टल के जरिए। अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, तुम लोगों को भी बिल्कुल वेट नहीं कराना चाहता मैं। अब मुझे जाना है, अगर मैं 1500 को डिवाइड करूं 8 से तो क्या आंसर आएगा, -190 आई थिंक सो, इसी के अराउंड होगा। तो एक्स एक्सिस मुझे करनी है -190 एंड वाई एक्सिस मुझे करनी है 100। पूरा मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका हूं भाई, एंड यहां पर मुझे बनाना है अपना नेदर पोर्टल। लेट्स गो भाई, इसको लिट करते हैं एंड चलते हैं भाई अपने विलेज के अंदर। आई होप सो मैं विलेज के अंदर ही स्पॉन हूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन। ओ भाई आंखों के सामने अपना उट्टू भाई साहब है, लेट्स गो। ओ खुश हो गया भाई, खुश हो गया। एंड इस पोर्टल को मुझे बड़ा करना है, सीढ़ियां बनानी है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर आया हूँ मैं, इतनी बढ़िया कैलकुलेशन कैसे हो गई मुझसे, मैं हैरान हूँ भाई एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। ओके लिट कर दिया मैंने अपने पोर्टल को एंड यहाँ से मुझे बनानी है थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ, तो लेके चलते हैं भाई अपने उट्टू को। लेट्स गो, कैसे नहीं जाएगा ये, मुझे उत्तर के। ओके अब चला गया, मुझे उत्तर के लेके जाना था इसको। वो आते ही बैठ गया, क्या हो गया, पेट में दर्द है क्या, बीमार शिमार तो नहीं हो गया, तो मुझे राउंड 00 ही जाना है। ओ वो रहा पोर्टल अपना, अब ये वाला पोर्टल मुझे कहाँ लेके जाता है ये मुझे नहीं आइडिया कोई भी। अगर मैं उतरूँ तो अपना उट्टू जो है वो जा चुका है। ओके एकदम ठीक जगह तो हम आ चुके हैं, लेकिन मसला गंभीर है ये, वैसे मुझे सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइज, यहाँ से हम लेते हैं काफ़ी सारी डर्ट एंड अपने लिए बनाते हैं सीढ़ियाँ। एंड रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेवल की गुड मॉर्निंग हो गई गाइज। यहाँ से मैं उट्टू को लेकर आऊँगा, यहाँ से रास्ता है।
ओके लेट्स गो भाई, फाइनली अब अपने एक ऊंट को घर लेकर आ चुके हैं। इसको यहाँ से चढ़ाते हैं, लेट्स गो भाई। अपनी बाउंड्री के अंदर आ चुका है अपना उट्टू। वैसे ये अपना डिस्पॉन तो नहीं ना हो जाएगा? अगर डिस्पॉन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, डिस्पॉन नहीं होना चाहिए। अपने कैसल के ऊपर रखता हूँ, मतलब सामने रखता हूँ इसको। अरे इसको लीड नहीं मैंने पहना के देखी, लीड पहनता है क्या? लीड नहीं पहनता। हेलो, ओ लीड पहनता है, यस लीड पहनता है। उठ जा भाई, लेट्स गो, आजा इधर आजा। अच्छा आवाजें बड़ी अजीब निकालता है इसको 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 मैं कहाँ पे करूँ यार? नो लकड़ी मेरे पास है, क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, इसकी फेंस मैं अलग बनाऊंगा। अपने उट्टू को हमने स्पेशल प्रोटोकॉल देना है। या इधर इधर लेवल हो गया भाई, आ जा भाई इधर बन जा। अब अपने उट्टी को भी लेकर आते हैं, लेट्स गो। एंड आगे इनको नाम भी देंगे, विलेजर से नेम टैग मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। आप ही का इंतजार था हमको भाई। जो भी बोलो, ये वाली अपडेट अब तक की सबसे बेस्ट थी। एंड अभी तो मैंने बाकी देखी भी नहीं है, बाकी देखूंगा तो क्या ही होगा भाई। लेट्स गो भाई, काम हो गया भाई अपना। ओके ये रहा सामने भाई, इसको भी यहाँ पर हम लीड की मदद से लगा देते हैं, फिर बैठ गया। ओके लेट्स गो, अब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं। अपने शलगर बॉक्सेस में हम शुगर केन को भर के आते हैं, बल्कि शुगर केन तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा, अभी मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं। ये वाला शुगर केन फार्म मैंने अभी तक तोड़ा ही नहीं है। ओके तो गाइज, अपने सारे शुगर केन को मैंने अपने सारे शलगर बॉक्सेस में भर दिया। एंड फटाफट से चलते हैं अपने विलेजर्स के पास एंड ट्रेडिंग करते हैं, एंड उनसे लेकर आते हैं भाई अपना नेम टैग्स अपने उट्टू के लिए भाई। एंड उसके साथ वाली का नाम जो है वो तुम लोग रखना भाई। उट्टू तो भाई मैंने कंफर्म रख दिया भाई। फटाफट से यहाँ से आई थिंक यहाँ पर, ओके लाइब्रेरियन मेरे सारे यहाँ पर हैं। ओके ओके ओके, इसको फेंको यहाँ से। ये मेरा थॉर्न्स 3 वाला है। ओके यहाँ से पकड़ते हैं एक एंड दो, बल्कि जितने भी है पकड़ लेते हैं भाई, आगे भी जरूरत पड़ सकती है मुझे, संभाल के रखूंगा मैं। ओके तो गाइस, और भी ज़्यादा औसम चीज़ें इस अपडेट में आई हुई हैं, जैसे कि हम लोग अपने जो आर्मर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे चेस्ट प्लेट है ना, इसको हम कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्मिथिंग टेम्पलेट आएगा, एंड आई थिंक यहाँ पर हमारा आर्मर आएगा, एंड यहाँ पर कलर आने वाला है। ये बस देखना है कि कैसे बनता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। खैर हमारा एनविल यहाँ पर है, अपना नेम टैग पकड़ते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं उट्टू। हमारे उट्टू का नाम, मैं गरीब हो गया, आयरन की कमी नहीं है भाई हमारे पास, आयरन बहुत पड़ा हुआ है, आयरन की फिगर नहीं करने का। आयरन का जो मैंने फार्म बनाया है ना, मेगा आयरन फार्म लेवल ही हो गया भाई। लेट्स गो भाई। ओ भाई साहब, इनके लिए मैं यहाँ पर कहीं पर एक छोटा सा मतलब जितने एरिया में ये आएंगे, पाम ट्री वगैरह और डेजर्ट वाला बायोम छोटा सा एरिया में बनाऊंगा इनके लिए, खास इनकी इन्वायरमेंट देने के लिए। एंड ये अपना उट्टू नहीं है, ये अपना उट्टू, इसको हम दे देते हैं नाम भाई, उट्टू भाई साहब, उट्टू भाई साहब, क्या बात है भाई। ऑलराइट गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो में पक्का बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड लाइक के मैंने ऑलरेडी बता दिया, 30 लाइक्स पक्का करने हैं तुम लोगों ने। एंड जो भी लोग भाई इस चैनल पर नए हैं भाई, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके गेमर्स गैंग का भाई हिस्सा बन जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं अपनी वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एंड उस वाली नई बायोम को मैं पक्का ढूंढूंगा, एंड स्निफर को भी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अपने वर्ल्ड के अंदर। तो मिलते हैं ऐसे किसी भाई नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, लेट्स गो।